स्वास्थ्य मंत्री संबोधन दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। हम दो दिन के लिए फूड सेफ्टी पर डिस्कशन और डेलिब्रेशन करेंगे। मैं मानता हूं कि फूड रेगुलेटर इस सब्जेक्ट छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देश में हेल्थ के लिए बहुत बात होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डिस्कशन होता है, प्रति वर्ष 7 दिन का सेशन लगता है और हेल्थ के बारे में डिस्कशन होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जितना महत्व वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का है, उससे कम महत्व फूड सेफ्टी का नहीं हो सकता है। फूड और हेल्थ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ विषय है। आप क्वालिटी फूड लेंगे, न्यूट्रिएंट फूड लेंगे, बैलेंस न्यूट्रिएंट लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इट इज वन टाइप ऑफ प्रिवेंटिव केयर। मैं मानता हूं कि बीमार नहीं होने के लिए फूड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हमें वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। आप समझ सकते हो इस विषय की गहराई इतनी है, फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, और इसलिए उन्होंने अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए फूड रेगुलेटर का संबंध और संपर्क ये चारों विषय के साथ होना चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या रिसर्च कर रही है, क्या सोच रही है, क्या फूड प्रोडक्ट हो रही है, उसमें क्या कंटामिनेशन हम पा रहे हैं, कोई सॉइल में जो फूड पैदा होता है, एक फूड ग्रेन एक सॉइल में एक टाइप का न्यूट्रिएंट वाला होगा, लेकिन यही प्रोडक्ट, यही एग्रीकल्चर क्रॉप वो दूसरे सेक्टर में जाओ, दूसरे प्लेस पर जाओ, तो वहां उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बदल जाएगा। उसके आधार पर हम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल वाइज, कंट्री वाइज, रीजन वाइज आपकी सॉइल की हेल्थ भी उसके पर इफेक्ट करती है। और जब हम न्यूट्रिएंट फूड की बात करें, क्वालिटी फूड की बात करें, बैलेंस न्यूट्रिएंट की बात करें, तब हमें सारी इकोसिस्टम को समझनी पड़ेगी। हम एक स्टैंडर्ड आज हर रीजन वाइज, हर कंट्री वाइज उनकी सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, एक देश में भी एक ही कंटेंट होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जहां पैदा होती है उसका जो डीएनए है उसको भी वन पार्ट ऑफ दिस स्टडी, हमें स्टडी का पार्ट बनाना चाहिए कि वो कौन सा फूड खा, उसका डीएनए, उसका माता पिता का फूड क्या था, उसका जो वो जहां पैदा हुए है वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की क्लाइमेटिक सिचुएशंस क्या है, एक डिटेल अध्ययन करके हमें कोई क्षेत्र के लिए फूड स्टैंडर्ड या फूड स्टैंडर्ड तय करना चाहिए, तब जाके हम हमारी हेल्थ को सुनिश्चित कर पाएंगे। फूड ग्रेन्स, फूड सिक्योरिटी और फूड हेल्थ सिक्योरिटी दोनों भी डिबेट करने जैसा विषय है। फूड सिक्योरिटी, फूड हम कहां से भी फूड ग्रेन्स
हम इंपोर्ट कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक फूड ग्रेन में जो न्यूट्रिएंट है दूसरे कंट्री में आपने जब एक्सपोर्ट किया, वो देश ने फूड ग्रेन मंगाया, तब वहां फूड कोड बदल जाता है, क्योंकि वहां के नागरिक को कौन से फूड की रिक्वायरमेंट है, वो जो कुल हॉल ऑफ फूड दिन में लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, और वहां जो आया है फूड ग्रेन उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, दोस्तों उससे आपको पता चलता होगा कि विषय को कितना डीपली हमें देखना होगा। बिल्कुल हम आज चल पड़े हैं हेल्थ को ट्रीटमेंट की ओर। आप बीमार हुए आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसके लिए सारा प्रावधान होना चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनानी चाहिए, विश्व के हर नागरिक तक हेल्थ एक्सेस हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ये एक बात है। लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण विषय है, देश के विश्व के हर नागरिक को न्यूट्रिएंट फूड मिले। न्यूट्रिएंट फूड के साथ साथ फूड सेफ्टी हम कैसे रेगुलेट करें। माई सेल्फ इज फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑल्सो, मैं फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हूं। माई सेल्फ इज केमिकल्स मिनिस्टर ऑल्सो, मैं केमिकल्स मिनिस्टर भी हूं। दोस्तों जिस तरह से हमारे पेस्टिसाइड की इफेक्ट फूड में आ रही है, एक्सेस और ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, अनबैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी इफेक्ट क्लाइमेट पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट सॉइल पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट फूड ग्रेन पर भी आ रही है, उसके लिए हम क्या करें। मैं मानता हूं कि इसलिए ही ये विषय जब देश के प्रधानमंत्री जी के सामने आया, हम बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करें, सॉइल को बचाए, ग्राउंड वाटर उसको अच्छा रखे, उसके लिए बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो। पीएम प्रणाम करके हमने एक स्कीम लॉन्च की, सारे देश के हर नागरिक तक, हर किसान तक, हर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो प्रयास करे कि केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज बैलेंस हो, अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, उसका व्याप बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया है। पीएम प्रणाम योजना के द्वारा जिस राज्य लोकल बॉडी से लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो प्रयास करेगी अल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, कोमा इनटू इनवाइटेड कोमा, वो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को कैसे कम यूज करे। जितना कम यूज करेगा उसके पीछे जो सरकार की सब्सिडी लगती है, आज लास्ट ईयर 2,54,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार ने केमिकल्स फर्टिलाइजर के पीछे खर्च किया है। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट दुनिया के सारे देश अपनी अपनी तरह से किसान को सपोर्ट करता है, लेकिन वो कम केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करके अल्टरनेट फर्टिलाइजर को प्रोत्साहित करे। उसके लिए पीएम प्रणाम योजना के द्वारा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज करके सब्सिडी सेविंग करेगा, वो सब्सिडी अल्टरनेट फर्टिलाइजर या तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पास ऑन की जाएगी। ऐसा प्रयास करके, क्योंकि ये सब सेक्टर ऐसा है, सब विषय ऐसा है, केवल कोई एक गवर्नमेंट प्रयास करेगी, कोई सिंगल कंट्री प्रयास करेगी, समाधान नहीं होगा। समाधान निकालना है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर काम करने वाले लोग हैं। हमारे अमिताभ कांत जी G20 की शेरपा के रूप में काम कर रहा है, उन्होंने हमें स्लोगन दिया है वन हेल्थ का, वन वर्ल्ड का। एक दुनिया एक परिवार है, और सारी दुनिया की चिंता के साथ हमारी चिंता होती है, केवल हम हमारी ही चिंता कर ले तो समाधान नहीं होगा। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, फूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें दुनिया की चिंता के साथ हमारी चिंता होती है, केवल हम सेफ हो जाएंगे दुनिया सेफ नहीं हो जाएगी। जो हमें दुनिया को सेफ करना है तो हमें भी सेफ होना पड़ेगा, हमें सेफ होना है तो दुनिया को भी सेफ रखने
पड़ेगी। और इसलिए ये धारणा के साथ, ये फिलोसॉफी के साथ हम लोगों ने हमेशा काम किया है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस हमने केवल अपनी ही चिंता नहीं की, जो अपनी चिंता की होती तो हम दुनिया के साथ खड़ा नहीं हो पाते। कोविड क्राइसिस में तीन समस्या विश्व के सामने आई। एक फूड ग्रेन की समस्या आई, फूड सिक्योरिटी की। हमने नीडी कंट्री को फूड एक्सपोर्ट किया। उस वक्त समस्या आई मेडिसिन की, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और प्रधानमंत्री जी को सारी दुनिया की ओर से कॉल आता था हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन चाहिए। और उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने केवल देश की चिंता नहीं की, मुझे बराबर याद है 23 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा था और 4 अप्रैल 2020 को शाम को प्रधानमंत्री जी का मुझे कॉल आया था और मुझे पूछा था कि देश में मेडिसिन की क्या स्थिति है। तो मैंने एनालिसिस करके प्रधानमंत्री जी को बताया कि देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन है। तब प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया था कि जी नहीं, देश की रिक्वायरमेंट को तो पूरी करो ही करो, देश की चिंता तो करनी चाहिए, लेकिन ये समय है हमें दुनिया को मदद करनी चाहिए। और उस वक्त मोदी जी ने देश के सभी फार्मा कंपनी के साथ मीटिंग करके कहा कि आप प्रोडक्शन करिए, सभी को लॉकडाउन पास दिया गया। उस वक्त देश में लॉकडाउन की वजह से प्लेन नहीं उठते थे, इंटरनेशनल फ्लाइट भी बंद थी, लेकिन डेली 4 से 5 फ्लाइट केवल मेडिसिन लेने के लिए आती थी। 150 कंट्री को उस वक्त हमने मेडिसिन सप्लाई किया, लेकिन ये भी हमारी फिलोसॉफी के तहत। इंडिया के लिए हेल्थ है कभी कॉमर्स नहीं रहा है, इंडिया के लिए हेल्थ है हमेशा सेवा रही है, हमारा स्लोगन सेवा है। और इसलिए उस वक्त हम चाहते, या तो हमारी कंपनी चाहती तो ज्यादा पैसा लेके मेडिसिन सप्लाई कर सकते थे, लेकिन दो विशेषता रही। 150 कंट्री में इंडियन कंपनियों ने मेडिसिन सप्लाई की, प्राइस हाइक नहीं किया, प्राइस नहीं बढ़ाई, क्वालिटी के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं किया। तब जाके दुनिया कहती है, पोस्ट कोविड में दुनिया कहती है इंडिया एक ऐसी कंट्री है। और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।